से ठोकर मारकर तोड़ने वाले साहब बेरियार जी लंदन जाकर जनरल डायर के छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी भारत के दबे कुचले शोषित वर्ग को जगाने वाले साहब काशीराम जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज के दिन में हमारे लिए किया ही क्या है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बात 26 नवंबर 1949 की है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाकर तैयार किया और जब बाबा साहब संविधान को लेकर संसद भवन में पेश कर वापस आ रहे थे तब वहाँ पर एक महापुरुष थे जिनका नाम था आचार्य कृपाली जी। आचार्य कृपाली जी ने पूछा, अरे अम्बेडकर, आज आप इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? तब बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आचार्य जी, आज से पहले इस देश में राजा रानी की गोद से पैदा होते थे, आज मैंने रानी की गोद का ऐसा ऑपरेशन किया है कि आज के बाद राजा रानी की गोद से नहीं बल्कि मीडियम और टाइम पेपर से होके वो राजा बनाने का काम किया। बाबा साहब ने आपको, बाबा साहब ने आपके लिए अपने 4 संतानें कुर्बान कर दी और आप कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। ए मेरे दोस्त, मत भूल उस महान को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। न करो वंदना उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो, न करो वंदना उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो, न डरो उनसे जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो। क्यों उलझे हुए हो तुम पाखंडियों के बना हुए ब्रह्मजाल में? क्यों उलझे हुए हो तुम पाखंडियों के बना हुए ब्रह्मजाल में? जरा बाहर निकल कर देखो, बहुत खुश रहोगे इस संसार में। ना राम ने कुछ दिया, ना कृष्ण ने कुछ दिया, साथियों ना राम ने कुछ दिया, ना अल्लाह ने कुछ दिया, जो कुछ भी दिया हमें बाबा साहब आपके संविधान ने दिया। क्यों पूछते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है? क्यों पूछते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है? पूछना है तो बेशक पूछो, मगर उनको जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है? सूरज को क्या पता चांद क्या होता है? जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है? जो पूरी जिंदगी भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है? उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है? बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता साथियों, बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता। उड़ने वाला पक्षी सिर्फ पाँच नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। और अब मैं अपनी वाणी का विराम देते हुए आप सभी से एक